आप जानते हैं, वह स्थान जहां नौजवानों को दिया जाता था आजादी की लड़ाई का प्रशिक्षण और जहां आत्मरक्षा के लिए क्रांतिकारी बनाते थे बम। माटी की विरासत की इस यात्रा में आज हम ढूंढेंगे इन सभी सवालों के जवाब और पड़ताल कर जानेंगे इससे जुड़े रोचक तथ्य। लखनऊ से लगभग 483 किलोमीटर दूर स्थित गौतम बुद्ध नगर जिला वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है, जिसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। वर्तमान में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर और दनकौर गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा हैं और इसे 3 सब डिविजन, नोएडा सदर, दादरी और जेवर में विभाजित किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो वर्तमान गौतम बुद्ध नगर जिला क्षेत्र वही स्थान है जहां के लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्रांतिकारियों की हर संभव मदद भी की थी। नोएडा का रामपुर जागीर गांव वही स्थान है जहां पर स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान कुछ समय के लिए राम प्रसाद बिस्मिल भूमिगत रहे और इस दौरान उन्होंने यहां पुस्तकों का अनुवाद भी किया था। देश को आजाद कराने में नोएडा के गांव नालागढ़ की बड़ी भूमिका रही है। यह वही गांव है जहां क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई के समय आत्मरक्षा के लिए बम बनाते थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसा नालागढ़ गांव पहले हिंडन और यमुना नदी के बीच में पड़ता था। उस समय यहां नदी के बीच में से और घने जंगल से होकर गांव में पहुंचना पड़ता था। पेड़ों से घिरा होने के कारण इसकी पहचान करना आसान नहीं था। यहां शहीद विजय सिंह पथिक का बड़ा आश्रम था। यही वह आश्रम था जहां गांव के नौजवानों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने दिल्ली के नजदीक होने के कारण नालागढ़ को अपना ठिकाना चुना था और वह यहां 3 वर्ष तक भूमिगत रहे। गांव में बिखरी निशानियां आज भी इसकी गवाही देती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार भगत सिंह द्वारा असेंबली पर फेंका गया बम भी यहीं बनाया गया था। बम बनाने के लिए बारूद और अन्य सामग्रियों को जिस पत्थर पर रखकर मिलाया जाता था वह आज भी नालागढ़ गांव में मौजूद है। 1857 की क्रांति की बात करें तो नोएडा के दादरी के क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दादरी रियासत के राजा राव उमराव सिंह ने अपने भाई राव बिशन सिंह और अपनी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था और वह इस आंदोलन में अंग्रेजी सेना से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। दादरी के बिसाहड़ा रोड पर प्राचीन महादेव का मंदिर आज भी स्थित है। इस मंदिर की स्थापना मुगल काल में की गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार मराठी सेना ने पानीपत के युद्ध में लड़ाई के लिए जाते समय दादरी में डेरा डालकर विश्राम किया था। उस समय मराठी सेना ने यहां पर शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। इसके बाद लोगों ने इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कर पूजा पाठ शुरू कर दिया था। आज इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। लोग यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे।